एक बंदे ने क्योंकि बोला कि मेरे को अब क्या चाहिए, कैपेसिटर में ये तो समझ में आता है कि बड़ी बाल्टी ज़्यादा पानी, छोटी बाल्टी कम पानी, कैपेसिटर साइज से तो मैटर करेगी करेगी, पर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और। अगर मैं मोबाइल फ़ोन लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मैं कैपेसिटर लगाऊंगा वो बहुत बड़ा कैसे स्केल लगाऊँ, मेरे को फ़ोटो खींचनी है मोबाइल फ़ोन में, उनको कैपेसिटर लगाना है। अगर मैं कैपेसिटर बड़ा लगाता हूँ तो मोबाइल फ़ोन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो उसका क्या फ़ायदा लोग लेंगे नहीं। तो मोबाइल फ़ोन छोटा हो लेकिन काम ज़्यादा करे, फ्लैश भी करे और एनर्जी भी सेव करे, तो मैं चाहता हूँ कि कम जगह में बहुत ज़्यादा स्टोर कर लें चार्ज कर। तो अब यानी कि काम स्टार्ट हुआ मॉडिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर पे, कम जगह पे ज़्यादा चार्ज को स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो किसी ने आइडिया दिया कि जैसे सपोज ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसके ऊपर बैटरी से हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बैटरी से पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ऑब्वियसली इसके चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन निकालते गए, बस क्यू मैक्सिमम हो गया और वी की वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई। कितनी हो गई, मान लो 10 वोल्ट हो गई मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वी नहीं इसमें जनरेट हो सकता। ठीक, तो इसकी कोई कैपेसिटी क्या, ये प्लेट भी तो कैपेसिटर की तरह काम कर रही है, जैसे सेल कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, ये प्लेट भी कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो किसी ने कहा ये काम करो, इसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट को रख दो, कुछ नहीं करना, इसके सामने रख दो बस, उससे क्या होगा, बोला बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, बाय इंडक्शन पीछे की तरफ क्या हो जाएगा प्लस। चार डेवलप हो गए अपने आप ही, पुट आउट इसमें, मैं कहा उससे क्या हुआ, बोला क्योंकि जो कैपेसिटेंस होती है ना वो चार्ज अपॉन वी होती है, अगर आप इस प्लेट का पोटेंशियल जितना कम करते जाओगे उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए आपने करना क्या है, चाय तो आपने इससे ले लिया, आप कुछ ना करो इसका वी कम कर दो। अब वी कैसे कम होता है, मान लो मैं एक पॉइंट हूँ, मेरे आसपास ये 20 कूलम का चार्ज है, ये माइनस 20 कूलम का चार्ज है, तो 20 कूलम का चार्ज मेरे ऊपर प्लस पोटेंशियल लगा रहा है 20 कूलम का, जो भी बनता है माइनस 20 का माइनस लगा रहा है, आपस में इफेक्ट क्या होते जा रहे हैं। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना मेरे सराउंडिंग में होगा मेरा पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज जितना ही मेरे सराउंडिंग में होगा वो मेरे पोटेंशियल को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। सिमिलरली इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट था, नेगेटिव चार्ज इसके सामने है, नेगेटिव चार्ज ने इस प्लस पोटेंशियल को क्या कर देना है, कम कर देना है। जितना भी पोटेंशियल था नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम कर गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सामने पड़ा होगा, प्लस पोटेंशियल को कम करके मान लो इसने अपना पोटेंशियल 10 की बजाय कितना करवा दिया, 8 करवा दिया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और हमने शेल्स की प्रॉब्लम में देखा कि इंडक्शन से पोटेंशियल आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि जितना ये नेगेटिव डेवलप करेगा उतना ही ये पॉजिटिव डेवलप करेगा, अफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ये तो हमारी असम्पशन है, हम ये मानते हैं कि इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, इसलिए माइनस और प्लस की दूरी यहाँ से सेम है, अफेक्ट कैंसिल हो गए, थिन शेल लेते हैं, थिन शीट लेते हैं। पर रियलिटी में जब चीज़ बनेगी, थिन शीट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, एमएम में कुछ तो थिकनेस होती होगी शीट की, तो एक्चुअल में इंडक्शन के अफेक्ट कभी भी कैंसिल होते ही नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस जो अफेक्ट लगाएगा प्लस थोड़ा सा दूर होगा माइनस से, इक्वल डिस्टेंस तो होंगे नहीं, कुछ तो थिकनेस होगी प्रैक्टिकली जब चीज़ बनेगी। तो माइनस इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, प्लस इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, और ज़्यादा सही चलो इतना 9.5 कर गया, इमेजिन करो, मतलब माइनस का अफेक्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माइनस रियलिटी में पास है और प्लस उतना पास नहीं है, अंदर चाहे एमएम में दूरी है पर कुछ तो दूरी है, बराबर पोटेंशियल तो नहीं लगा पाएगा। पर आपने न्यूमेरिकल में यही करना है, शेल में तो मानी शुरू कर देना, शेल में अफेक्ट कैंसिल ही होते हैं, वो थिन शेल्स हैं, हम इतनी एमएम में थिकनेस लेते नहीं है, पर प्रैक्टिकल जब चीज़ बनेगी तो एमएम में थिकनेस लेनी होती है, तो अफेक्ट कैंसिल नहीं हो पाता, नेगेटिव कम कर जाता है पोटेंशियल, पॉजिटिव बढ़ा जाता है, नेगेटिव का अफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, ओवरऑल पोटेंशियल गिर जाता है, तो इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बढ़िया हो गया, तो आज के बाद यानी कि सिंगल प्लेट का कैपेसिटर कोई बनाएगा ही नहीं, इसके सामने एक और प्लेट रखनी ही पड़ेगी ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके। अब किसी ने और सजेशन दिया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल काम खराब ही कर रहा है, कोई फायदा नहीं,
किसको अर्थ कर दो, अर्थ करने से इसका चार्ज गया और ये माइनस डिडक्शन की वजह से यहीं रह गया, तो यानी कि अब 10 वोल्ट का पोटेंशियल नेगेटिव में क्या कर दिया, 8 वोल्ट पॉजिटिव रहा नहीं इसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, यानी ओवरऑल पोटेंशियल काफी कम हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। आज के बाद जब भी कैपेसिटर डिजाइन हुआ, सिंगल प्लेट का कभी नहीं हुआ, इसके सामने एक और प्लेट रखी ही गई अर्थिंग वाली, ताकि ओवरऑल कैपेसिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। जितने कैपेसिटर हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिंगल प्लेट का स्टोरेज कैपेसिटी उतनी बन नहीं पाती जितनी पैरेलल प्लेट की बन पाती है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। इसकी थ्योरी आपकी येलो बुकलेट के अंदर, जो सीबीएसई की बुकलेट है, उसमें लिखी हुई है एक पेज की, जो मैंने आपको समझाया तो मैंने फिर से भी लिखी, उसी को रेफर करें। इसमें हाँ तीन प्लेट्स कह रहे हो, तीन प्लेट का कैपेसिटर आगे पढ़ेंगे, ये पहले दो से स्टार्ट करेंगे, तीन चार प्लेट का कैपेसिटर, पाँच प्लेट का कैपेसिटर, जो मर्जी लगा, मतलब बेसिकली पोटेंशियल ही कम करते जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है आपका? कैपेसिटर का सिंबल ये कैपेसिटर का सिंबल है। आज के बाद वो पैरेलल प्लेट नहीं शो करेंगे, बस छोटे छोटे दो प्लेट शो करेंगे पैरेलल प्लेट का। इसको यूज नहीं करते, अगर सिंबल में एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये कैपेसिटेंस अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, ये अपनी कैपेसिटी चेंज ही करेगी। हमारे सिलेबस में ये किया, फिक्स्ड कैपेसिटेंस, ठीक है।